नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनकी पत्नी के साथ बनती नहीं है या फिर झगड़ा है, हो जाता है, दोनों में से एक झगड़ालू है, चाहे पत्नी हो या फिर पति हो। तो ऐसे समय पर अगर मान लीजिए आपकी पत्नी बहुत झगड़ा कर रही है और झगड़ा करने के बाद लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट करी, जो भी करना था किया, उसके बाद अपने वो मायके चली गई, एक बात तो तय है। अब अगर मान लो मायके चली गई है और उसको आप बुला नहीं रहे हैं या उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर कोई भी परेशानी हो रही है सामने और उसका निदान आप नहीं कर रहे हैं, समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में हो सकता है कि आपके ऊपर मुकदमों की बौछार हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात कॉमन है, चाहे पत्नी अपने आप लड़ झगड़ के खुद गई हो, चाहे उसने मारपीट तुम्हारे साथ में खुद ही करी हो, चाहे उसने आतंक अपने आप उस घर ससुराल में खुद किया हो, लेकिन जब वो मुकदमा दर्ज कराएगी तो मुकदमे में यही बात लिखेगी कि मुझे मारपीट घर से बाहर निकाल दिया, दहेज की मांग करी और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, या कुछ और लिखते हुए सीधे मुकदमा दर्ज होगा। यानी कि जो भी बात सामने आएगी वो यही आएगी कि आपने उसको निकाला, ना कि वो खुद गई है। अगर वो पत्नी खुद कह देगी कि मैं खुद गई हूँ, खुद आई हूँ, तो फिर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार लेगी ना, तो इसलिए वो खुद नहीं कहेगी मैं खुद आई हूँ, ना वो अपनी गलती कभी बताएगी। बस ये है कि वो आप ही के ऊपर थोपेगी गलती कि मैंने, मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया, खाना नहीं दिया मुझे, रहने को नहीं दिया, ये करते हैं वो करते हैं, सब चीज़ें वो लिखवाते हुए आप ही को दोषी बनाया जाएगा। तो पहली बात, अब मान लीजिए लड़ाई झगड़ा करके मायके चली गई है, अब आपको बुलाने का प्रयास भरपूर करना चाहिए, बातचीत करिए उससे। अगर आप नाराज़ हैं, वो भी नाराज़ है, तो नाराजगी में 2-3 साल या 2-3 महीने बीत जाएंगे, और जैसे ही बीत जाएंगे तो उसके कानों में यही चीज़ आएंगी कि अब तो मुझे वो छोड़ दिया उन्होंने, मुझे अब वो बुलाने नहीं आएंगे। उसके दिमाग में, उसका दिमाग उल्टा ही चलेगा, यही सोचेगा कि हाँ उसने मुझे छोड़ दिया है। अब उसके मन में ऐसी लगेगा कि उसने छोड़ दिया है तो उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार सब लोग से समझाएंगे, अरे छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। अब ये छोड़ते ऐसे हो जाएगा दिमाग में कि उसका दिमाग यही बैठ जाएगा कि हाँ मुझे अब छोड़ दिया है। लेकिन कहीं छोड़ने वाली बात आएगी नहीं। पति ये सोच रहा होगा कि मुझे वो फ़ोन करेगी, लड़ाई झगड़ा करके गई है, खुद गई है, मायके से फ़ोन करेगी, सॉरी कहेगी, माफ़ी मांग लेगी, मैं बुला के ले आऊँगा बस। और पत्नी ये सोचेगी कि वो आएगा, मायके माफ़ी मांगेगा, और इसी चीज़ में ना पत्नी माफ़ी मांगती है ना पति मांगता है, दोनों में लड़ाई झगड़ा मनोटा बढ़ता रहता है, समय बीतता रहता है, इस लगातार इस चीज़ को चलते हुए साल भी बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं। अब पत्नी को लगता है कि अब तो वो आएगा ही नहीं, दूसरी शादी कर लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वहाँ पर मायके में बैठ के ये समझा रहे हैं कि वो तो अगर तुम नहीं जाओगी तो उसको क्या है, उसको शादी कर लेगा, उसको दूसरी पत्नी ले आएगा, तुम्हें छोड़ देगा। ऐसे जब मन में ख्याल आते हैं तो फिर पत्नी मजबूर हो जाती है कि अरे यार मैं खाली बैठी रहूँ यहाँ पर, वो मुझे बुलाने आएगा नहीं, तो मैं क्या करूँ, फिर ऐसा करती हूँ, शिकायत करती हूँ। तो फिर वो शिकायत करती है, शिकायत में झूठ के बिना शिकायत चलता नहीं है। आप शिकायत में झूठ झूठ लिखोगे कि मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, दहेज मांगा, ये लेकर आप मुकदमा लेकर थाने जाओगे, थाने वाले मुकदमा तुरंत लिख देंगे आपकी, बिना ज़्यादा जांच किए हुए सीधे सीधे लिख दिया जाता है, और फिर पति के ऊपर प्रहार शुरू कि लो जी अब संभालो इस चीज़ के लिए। तो ये प्रक्रिया होती है जिस समय आपकी पत्नी जो है मायके जाकर लड़ाई झगड़ा करके मायके बैठ जाती है। अब बैठी हुई है तो आपको बुलाने का भरसक प्रयास समय से कर लेने चाहिए, लेट करोगे तो फिर लेट में मुकदमे आपके ऊपर आ जाएंगे, इस चीज़ की आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि सर बुलाएं कैसे, ये भी आपके समझ से आती है, सर वो तो वहाँ चली गई है, अब वो आने को मना कर रही है। अगर वो आने को मना कर रही है ना, तो उसके पीछे इंटेंशन देखिए कि वो सच में आने को मना कर रही है या फिर आपको झुकाने के लिए मना कर रही है। और अगर झुकाने वाली बात ये, थोड़ा बहुत झुक जाइए, पति पत्नी में थोड़ा संबंध कहीं खराब हो जाते हैं तो झुकने में ही मतलब सही है। अगर आप उस चीज़ के लिए नहीं झुकेंगे और अकड़ में रहेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में आके दोनों का जीवन जो वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए इस अकड़ के चक्कर में। तो अकड़ में मत रहिएगा। अगर पत्नी कह रही है कि भाई झुक जाओ, मुँह से झूठा मूठा सॉरी बोल दोस्त से भी, चलो ठीक है मैंने गलती करी, मैंने सॉरी, तुमने गलती की, तुम भी सॉरी बोलो, तो वो भी सॉरी बोल देगी, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पर एक देखा जाता है पति पत्नी का प्रेम, लेकिन जहाँ मन में दोनों के पति पत्नी के प्रेम है ही नहीं, तो फिर तो देखिए, फिर तो आप जीते जागते पड़ोसी हैं, आपका कोई संबंध है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर मान लीजिए पत्नी ये चीज़ को कहना चाह रही है कि भाई तुम मुझे माफ़ी मांगो या मुझसे गलती हुई इसका सॉरी कहो, तो आपको कह देना चाहिए और रिश्ता बना लेना चाहिए, चाहे पति हो या पत्नी, दोनों में कोई भी हो। लेकिन जहाँ पर पत्नी ने जिद करके बैठी हुई, अब तो मैं नहीं जाऊँगी, अब तो मैं तलाक लूँगी, ये लूँगी, वो लूँगी, तो देखिए भाई साहब, तलाक अगर वो दे रही है तो तलाक आपको खुशी खुशी ले लेना चाहिए, क्योंकि अब जो है संबंध इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब आपके साथ रहना संभव नहीं है। दूसरा कि अगर वो कोर्ट की तरफ
चली गई और आपने तलाक नहीं दिया, कोर्ट की तरफ चली गई, तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगी, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन जहां पर मायके में बैठ गई है तो आपको बुलाने का भरसक प्रयास करना चाहिए, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, फोन कॉल के दूर से द्वारा हो, या व्हाट्सएप के द्वारा हो, या फिर कानून के द्वारा हो। अगर आपके मान लीजिए आप पूरे परिवार से या सामाजिक रूप से आप थक चुके हैं, तो आपको फिर कानून का सहारा लेना चाहिए, आपको सेक्शन 9 का लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए उसके लिए कि हम आपको रखना चाहते हैं। और फिर भी अगर नहीं आती तो आप एक SSP को कंप्लेंट भी दें उसको कि मेरी पत्नी जो है मुझसे इस तारीख को रूठ के चली गई है, नाराज होकर चली गई है, और आप जो है वो आना नहीं चाहती है, मैं उसको रखना चाहता हूँ, आप इसकी कंप्लेंट है, ये महिला थाने को जाएगी और महिला थाने में दोनों पति पत्नी बुलाया जाएगा और वहां पर मेडिएशन कराया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अगर इसके बावजूद भी नहीं आती है, मना करती है, तो फिर मैं कहता हूं कि आप फिर पत्नी को करने दीजिए जो करती है, जिस मुकदमा जो भी मुकदमा वो करती है, चाहे वो मेंटेनेंस का, DV का, सब में एक ही रेट लगाइए, सर मैंने देखिए इसको बुलाने का प्रयास किया, ये जाना नहीं चाहती है और आज भी मैं इसको बुलाना चाहता हूँ, ये मेरे घर चले, बस एक ही बात पर अटल रहिए। अगर आप इस बात पर अटल रहोगे तो आपके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, ना मेंटेनेंस का, ना DV का, ना 498 का, बस एक ही बात पर रहिए। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करें। आज का वीडियो था, बहुत धन्यवाद।